हाय गाइस, माय नेम इज उपाध्याय, द सन ऑफ सुपर एंड लविंग पेरेंट्स, नाउ ब्रदर ऑफ अमेजिंग सिस्टर, बुक्स लवर, म्यूजिक लवर, नाउ सोशल मीडिया मार्केटर, एंड आई टीच पीपल टू हाउ टू स्टार्ट देयर ऑनलाइन एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस, एंड माय विजन इज टू ब्रिंग मैसिव चेंजिंग यंगस्टर माइंडसेट एंड डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप। सो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाई एफिलिएट मार्केटिंग इज द बेस्ट मॉडल। सो गाइस, मैं आपको स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक पर्सन होता है जिसका नाम सिड होता है, एंड वो बचपन से बिजनेस करना चाहता है। लेकिन यार देखो, बिजनेस करने के लिए ना उसका माइंडसेट ऐसा था कि बहुत सारा पैसा चाहिए। इवन हर किसी का पर्सन का माइंडसेट ऐसा है कि बिजनेस करने के लिए मैं बहुत सारा पैसा चाहिए, ठीक है। तो वो सोचता था कि वो अपनी कंपनी यहाँ पे एस्टैब्लिश करेगा, उसको बैंक से लोन लेना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें, उसको अपना खुद का प्रोडक्ट एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, ठीक है। बट उसके दिमाग में एक चीज रहती थी कि यार अगर जब मैंने लोन ले लिया बैंक से, एंड अगर मुझे उसको सेल करना है, मैं सेल नहीं कर पाया, तो जो मेरे एम्प्लॉय होंगे उनको मैं कहाँ से पैसा दूंगा, या फिर जो मेरा खर्चा होगा, जो मेरा जो भी कुछ होगा, जो बहुत सारी इश्यूज आएंगे उसमें, मैं कहाँ से एडजस्ट करूंगा सब चीजें। तो ये चीजें उसके दिमाग में बहुत चलती थी कि मुझे पहले बैंक से पैसा लेना पड़ेगा, बिकॉज हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, यार बिजनेस का तो यही रूल होता है। तो उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें, ये स्टोरी चलती रहती थी, एंड वो बिजनेस माइंडसेट था, उसको पहले से बिजनेस करना ही था, लेकिन ये सारी चीजें उसके माइंड में चलती रहती थी। फिर उसको एक बार दिमाग में लगा कि यार काश ऐसा होता कि ना मुझे कोई कंपनी ना खोलनी पड़ती, ठीक है, मैं लेकिन अर्निंग उतनी ही कर पाता, प्रोडक्ट किसी और का होता, एंड मुझे प्रॉफिट भी उतना ही होता। सो गाइस, बस रिलैक्स, यही आपको बताना चाहता हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग का मॉडल यही होता है कि प्रोडक्ट किसी और का होता है लेकिन सेल हम करते हैं, एंड उस पर हम ह्यूज कमीशन पाते हैं, राइट सर। गाइस, पहले आप ये देखो कि यू आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, आप 21st सेंचुरी में रह रहे हो। सो आपको अपना खुद का प्रोडक्ट बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप सेल कर सकते हो, एंड उससे बहुत अच्छा कमीशन पा सकते हो। सो गाइस, दिस इज द रीजन व्हाई एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल इज द बेस्ट मॉडल, बिकॉज हर कोई बिजनेस करने से डरता है, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने से डरता है, बिजनेस में रिस्क फैक्टर होता है, लेकिन जो एफिलिएट मार्केटिंग होता है वहां पे जीरो रिस्क फैक्टर होता है, जीरो रिस्क फैक्टर होता है, एंड आप जितनी चाहे उतनी इनकम कर सकते हैं अपनी सेल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपको अपने एम्प्लॉयज के पैसा नहीं देना बिल्कुल, आपको अपना ऑफिस नहीं खोलना कहीं भी, आपको अपने होली दिवाली गिफ्ट नहीं देना किसी को, आप पे डिपेंड करता है कि आप मंथली कितनी सेल करते हैं, आप पर डे कितनी सेल करते हैं, हर एक चीज़ें बस आपकी मार्केटिंग आपकी सेल पे डिपेंड करती है, आपको टीम बनाने की भी कोई जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सो गाइस, दिस इज द रीजन व्हाई एफिलिएट मार्केटिंग इज द टॉप मॉडल ऑफ बिजनेस। 90% लोग बिजनेस करने से सिर्फ और सिर्फ इसलिए डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यार बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। यार बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, बिल्कुल भी नहीं है। आप 21st सेंचुरी में रह रहे हो गाइस, ठीक है, इसमें बिल्कुल भी पैसा इन्वेस्ट करना नहीं पड़ता। पैसा तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा यार, छोटा मोटा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, जो कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ना के बराबर होता है। सो गाइस, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में अभी 70% लोगों को मार्केट में पता ही नहीं है कि किसी का प्रोडक्ट हम यूज करके उसको एफिलिएट करके मतलब सेल करके हम कमा सकते हैं। यार देखो, प्रोडक्ट हमारा नहीं है, कंपनी हमारी नहीं है, कुछ भी हमारा नहीं है, हमें क्या करना है, सिर्फ कोई एक प्रोडक्ट है उसको एफिलिएट करना है एंड उस पर कमीशन लेना है। सिंपल सी बात है यार, बताओ आपको कोई सरदर्दी नहीं, जब आपका मन करे तब काम करना स्टार्ट करो, सेल कर सको। दैट्स व्हाई एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस इज द बेस्ट मॉडल। एंड बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइस, कीप लर्निंग, कीप गोइंग, बेस्ट ऑफ लक, कीप स्माइलिंग गाइस।